आज से 2 साल पहले मैंने एक वायरलेस माइक बताया था जो यूट्यूब क्रिएटर्स के लिए दी बेस्ट ऑप्शन था, लेकिन उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि वो मोबाइल से कनेक्ट नहीं हो सकता था। लेकिन आज हम जिस माइक की बात करने वाले हैं वो आपके मोबाइल फोन से भी कनेक्ट हो सकता है, आपके कैमरा से भी, आपके लैपटॉप से भी, और ये माइक है डिजिटेक का DWM-101। देखो, सबसे पहले इसके प्राइस की बात करें तो ये माइक है सिर्फ 4,500 रुपए का, जो कि वायरलेस के अंदर सबसे सस्ता माइक अभी तक है, जो आपके कैमरा पे भी लग जाएगा और आपके मोबाइल फोन पे भी। इसके अंदर क्या मिलता है, क्या क्या कुछ है, वो सब हम आगे बताएंगे, लेकिन ये पूरी वीडियो हम इसी माइक पे रिकॉर्ड करेंगे। तो अगर आपको ये आवाज अच्छी लग रही है, अभी इसका नॉइस कैंसिलेशन भी ऑन है क्योंकि साथ में स्कूल है, स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं, उसमें शोर आ रहा है, हवा भी काफी चल रही है, काफी खुला एरिया है, तो अगर आपको ये आवाज अच्छी लग रही है, ठीक लग रही है, तो यानी कि इसकी क्वालिटी वर्थ इट हो सकती है। लेकिन अभी इसके 2-4 और टेस्ट आपको हम करके दिखाएंगे कितनी दूर तक आप जा सकते हैं और कितनी तरीके की इसमें आवाज आप चेंजेस कर सकते हैं। देखो, अगर 4,500 की बात करें ना, उसके अंदर जो चीजें मिलती है, सबसे पहले जो आपको 2 ट्रांसमीटर मिलते हैं, यानी कि अगर आप इंटरव्यू लेते हो, पॉडकास्ट बनाते हो, या फिर 2 लोग भी अगर आप वीडियोस बनाना चाहते हो ना, तो एक ये मैंने लगा रखा है, एक इस डब्बे के अंदर है। 2 ट्रांसमीटर मिलेंगे, 1 रिसीवर मिलेगा जिसको आप कैमरा या मोबाइल के ऊपर लगा सकते हो। अभी यहाँ पे साइड में बच्चे खेल भी रहे हैं, पीछे स्कूल का भी शोर है, हवा का भी शोर है, और नॉइस कैंसिलेशन इसका ऑन है। अगर मैं नॉइस कैंसिलेशन को यहाँ से ऑफ कर दूं, जो कि ऊपर एक बटन है, सिंपली इसको जैसे मैंने ऑफ कर दिया, ये बिना नॉइस कैंसिलेशन के अब आपको आवाज सुनाई दे रही होगी। शायद से शोर थोड़ा सा बढ़ गया हो सकता है ना भी बढ़ा हो, क्योंकि जो आवाज है आप डिसाइड करेंगे कैसी है, मेरा काम है सिर्फ बताना। लेकिन पर्सनली मैं बताऊं, आज 2रा दिन है इसको यूज करते हुए और इसमें मुझे काफी चीजें अच्छी भी लगी है, लेकिन काफी चीजें इसकी थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक हो सकती है, उसके बारे में बात करते हैं। अगर हम सबसे बड़े कोन की बात करें जो मुझे लगे कि वो मैं आपको दिखाऊंगा भी, कि अगर डिस्टेंस की बात करें तो दूर तक ही कैच करता है, लेकिन अगर मैं कैमरा की तरफ पीट कर लूं तो पीछे की तरफ जाऊं, शायद अपना फेस कर लेता हूं। अब कम से कम मैं कैमरा से 30-40 फीट की दूरी पर हूं और डिस्टेंस अच्छा है, लेकिन आवाज यहां पे आपको ठीक आ रही होगी, लेकिन कैमरा की तरफ पीट करते ही थोड़ी सी इसकी दिक्कत मुझे ऐसी लगा कि हो जाती है ये, और ये काफी एक्चुअल में बड़ी प्रॉब्लम ये हो सकती है अगर आप वीडियोस बनाते हो और आपका ध्यान नहीं है, या फिर अगर आप स्पेशली जिसके लिए मैंने लिया, जिस काम के लिए, उसमें कैमरा की तरफ इतना देखना मेरे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि मैं व्लॉगिंग करूंगा या फिर अगर मैं जिम के लिए वीडियोस बनाऊंगा तो वहां पे अगर मैं इधर घूमता हूं तो मेरी आवाज होपफुली ठीक आनी चाहिए, बट यहां पे ऐसा नहीं है। तो इसके अलावा बाकी अगर कैमरा की तरफ है या कैमरा के सामने आपका माइक है तो यहां पे आपकी ऑडियो मुझे नहीं लगता कि खराब होगी। अब बात करें इसके प्रोस की साइड की, तो देखो जो बॉक्स है, बॉक्स के अंदर आपको काफी चीजें मिल जाती है, जिसकी वजह से ना ये एकदम वर्थ इट हो जाता है प्राइस के अपने। 4,500 का प्राइस है, लेकिन इसके अंदर जो आपको मिलता है 2 ट्रांसमीटर, जैसे कि मैंने बताया, स्पेशली 2 आपको एयरफोन्स भी मिल जाते हैं जिनकी मदद से आप सुन पाएंगे साथ साथ आपकी आवाज की, कैसी आपकी आवाज रिकॉर्ड हो रही है। इसके अलावा USB C2C आपको मिल जाएगी, अगर आपके फोन में USB C लगती है तो आप C2C कनेक्ट कर सकते हैं, जो मेरे फोन से होती है वो मैं आपको करके भी दिखाऊंगा। इसके अलावा आपको USB भी मिल जाएगी, अगर आप लैपटॉप या कंप्यूटर के अंदर ये कनेक्ट करना चाहते हैं वो भी हो जाएगा। आईफोन वाली केबल भी मिल जाती है और साथ साथ में 3.5mm जैक वाली केबल भी मिल जाती है। इतना ही नहीं, इसके साथ साथ में आपको 2 डेड कैट मिलते हैं, ये जो बिल्ली के बाल कहते हैं इसको, जो आप अपने माइक के ऊपर लगा सकते हो, लेकिन एक्चुअल में मुझे लगता नहीं कि इससे इतना ज्यादा फर्क आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब मैं आपको ये चीज अपने फोन के ऊपर लगा के दिखाता हूँ ताकि आपको फोन से भी रिकॉर्डिंग कैसी होती है वो आप सुन पाए। और इस समय जो आप ऑडियो सुन रहे हैं ये हमने अपने माइक को मोबाइल पे लगा दिया, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे। इस तरीके से हम कैमरा की तरफ अगर आएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम जो ऑडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं अपने मोबाइल फ़ोन पे हो रही है, और ये कैमरा से आप देख सकते हैं कि हम वीडियो जो बना रहे हैं हमारे मोबाइल फ़ोन से लगी हुई है। अब मोबाइल से ऑडियो रिकॉर्डिंग का इसमें ये पंगा है कि आप जो लेवल्स हैं वो सेट नहीं कर सकते, जो भी आवाज़ बाय डिफ़ॉल्ट कैप्चर करेगा वही आपको सुनने को मिलेगी। हाँ, शायद से नॉइस रिडक्शन शायद से काम करे अभी इस तरीके से, लेकिन जो आवाज़ है अगर तेज़ है तो तेज़ ही रहेगी, कम है तो कम ही रहेगी। जैसे कि आप कैमरा में आप मैन्युअली लेवल को सेट कर सकते हैं, कितने डेसिबल्स तक आपको ऑडियो चाहिए, वो चीज़ आप मोबाइल के अंदर नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आपको लगता है मोबाइल के अंदर ये अच्छी आवाज़ है, काम चल जाएगा। अब मैं थोड़ा सा दूर भी जाके आपको दिखा देता हूँ कि अगर मोबाइल से हम दूर जाके आवाज़ से बात करें तो किस तरीके की ऑडियो आपको सुनने को मिलेगी। अगर ये आपको ठीक लग रही है या आपको अच्छी लग रही है तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकता है। और अगर हम बात करें स्पेशली अगर कॉमेडी क्रिएटर हो आप और आप मोबाइल से वीडियोस बनाते हो तो ये माइक मेरे हिसाब से दी बेस्ट हो सकता है, अगर इसकी आवाज़ आपको सही लग रही है तो। 4,500 से कम के अंदर कोई भी ऐसा माइक नहीं है जो कैमरा पे लग जाए, मोबाइल पे लग जाए, 2 ट्रांसमीटर हो और इस तरीके से ऑडियो को कैप्चर कर सके। अब बैटरी बैकअप की अगर हम बात करें तो देखो, कंपनी क्लेम कर रही है कि 10 घंटे का बैटरी बैकअप आपको मिल जाएगा, लेकिन 10 घंटे का मिलेगा या नहीं वो मुझे एक्चुअल में पता नहीं है, क्योंकि अभी 2रा ही दिन है टेस्ट करने का, अभी मैंने इसको चार्ज नहीं किया है।
लेकिन एक और कौन जो इसके अंदर है वो है ये कि ये जो चार्जिंग है इन सब की अलग अलग करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि आप तीनों चीज़ें एक ही बॉक्स में डाली और चार्ज कर ली, तीनों को आपको यूएसबी से आपको चार्ज करना पड़ेगा और हर बार एक ही चीज़ आप चार्ज कर सकते हो। तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम है, अगर आप जल्दी में हो तो तीनों चीज़ें एक साथ चार्ज आप मतलब तीन तीन चार्जर आपको लेके घूमने पड़ेंगे अगर इनको एक साथ चार्ज करना चाहते हो तो। अब माइक की बात करें तो यार देखो जो सबसे मेन चीज़ होती है इसकी यही होती है कि कितनी ये अच्छी आवाज़ कैप्चर कर सकता है और कितना नॉइस रिडक्शन ये कर सकता है। लेकिन इसके अलावा भी इसमें दो चार फीचर हैं, जैसे कि इसमें इको मोड है, इको मोड के लिए ऊपर बटन दे रखा है, अगर इसको हम दबा के रखेंगे तो एको ऑन हो जाती है। अब यहाँ पे आपको आवाज़ गूंजती हुई नज़र आ रही होगी, तो अगर आपको ऐसा कुछ स्पेशल इफेक्ट देना अपनी वीडियो में अब वो भी दे सकते हैं, लेकिन ये किसी काम का एक्चुअल में नहीं होता मोस्ट ऑफ द टाइम। अभी इसको हम ऑफ कर देंगे, इसको दबा के रखना पड़ेगा। तो अभी हमारा जो माइक है वापस से नॉइस रिडक्शन मोड पे आ चुका है, इसी बटन को सिंगल क्लिक करेंगे तो नॉइस रिडक्शन ऑन हो जाता है और इसी को दोबारा सिंगल क्लिक करेंगे तो ये ऑफ हो जाता है, कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पे इसके नीचे म्यूट का बटन भी दे रखा है, जहाँ पे आप इसको दबा के रखोगे तो आपका माइक जो है बंद हो जाएगा, अगर आप इसको सिंगल क्लिक करते हो तो आपका माइक म्यूट हो जाएगा। अब इसको दोबारा क्लिक करेंगे तो अनम्यूट हो जाता है और आपको दोबारा से आवाज़ आ रही होगी। देखो ये वीडियो एडिट करते हुए मैंने सोचा कि यार इस माइक को ना एक और बार टेस्ट किया जाए, क्योंकि दो दिन के अंदर इतना मैंने चलाया तो ऑडियंस के लिए एक अच्छा फीडबैक देना एक्चुअल में ज़रूरी है। तो इसको मैं अपने जिम लेके गया, वहाँ पे मैंने इसमें वीडियो रिकॉर्ड करी, लेकिन वहाँ पे इसमें प्रॉब्लम आई कि जो दो ट्रांसमीटर थे उसमें से एक ऑन ही नहीं हुआ। तो इसको मैंने रिफंड के लिए रिप्लेसमेंट के लिए डाल दिया है, अमेजोन वाला इसको वापस ले जाएगा, क्योंकि अगर ये तीन दिन के अंदर ही इसका एक ट्रांसमीटर खराब हो गया तो अगर 10 दिन 15 दिन बाद जब रिप्लेसमेंट ऑफ हो जाएगी और तब खराब हुआ तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आपको हो सकती है। तो अगर आप ये माइक लेना चाहते हो तो बिल्कुल अपने रिस्क पे लेना, क्योंकि मेरी तरफ से तो इसको जीरो रेटिंग जा चुकी है, क्योंकि ये माइक बिल्कुल भी रिलायबल नहीं है। ऑडियो क्वालिटी के मामले में ठीक ठाक है, आप मोबाइल से कनेक्ट करके यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जब तक रिलायबल ही नहीं होगा तब तक कोई फ़ायदा नहीं है।